हेलो मेरे गेमर, मेरा नाम है गामी और तुम देख रहे हो गामी गेमिंग। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे बीच में जो न्यू अपडेट आया है उसके बारे में, क्या न्यू अपडेट है, क्या चेंजेस हुए, वो सब आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्या न्यू टिप्स हैं वो भी मैं सब बताने वाला हूं। और हाँ, जो लोग भी वीडियो बनाए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले मैं रिकॉल की बात करूँगा। अब पहले हमें 3 बार रिकॉल मिल जाता है जो पिछला इवेंट है, इस बार तुम्हें सिर्फ 2 बार रिकॉल मिलेगा। वो भी कैसे, वो भी बता दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले अगर तुम इवेंट को तोड़ोगे तो यहाँ पर तुम पहले मैप देख लो। मैप में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जहाँ पर अभी मेरे एरो दिख रहे हैं, यहाँ पर उतरोगे तो तुम्हें रिकॉइल नहीं मिलेगा। तुम्हें रिकॉइल ये जो दो ही जगह पे ऑटो रिकॉइल मिलेगा, नहीं तो तुम्हें ऑटो रिकॉइल नहीं मिलने वाला इवेंट पे। अब सिंपल सी, जैसे तुम यहाँ पे इवेंट उतरोगे, इवेंट तुम्हारा कुछ इस टाइप का होने वाला है। जैसे तुम यहाँ पे कोई एक स्पेस या कोई ऐसी लैब, साइंस लैब की जैसे तुम्हें दिखेगी यहाँ पे। उसके बाद एक जो न्यू गन है जो तुम्हारे एनिमी को शॉक देती या फिर जो तुम्हारे एनिमी को अपनी तरफ खींचते, वो गन तुम्हारी थर्ड गन में आएगी, जहाँ पे तुम्हारी पिस्तौल या भाईजन जैसी गन, छोटी गन रहती, उस जगह पे वो गन आएगी। यहाँ तुम उसे इजी कैरी कर सकते हो। और सिंपल से मैं बता रहा हूँ, इवेंट भाई तुम्हें बहुत भसड़ होना है। जो दो ये इवेंट मैंने जो बताया जहाँ पे तुम ऑटो रिकॉर्ड में लेंगे, वहाँ पे भाई गंदी वाली भसड़ होगी, तुम्हें स्टार्टिंग में ये समझेगा नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारा गेम प्ले गेम कैंपिंग लेवल का है तो भाई तुम इजी यहाँ पे सर्वाइव करो, नहीं तो यहाँ पे तुम बहुत गंदे टूट जा रहे हो। और हाँ, पहले जो तुम्हारे नॉर्मल मैचेस में ज़्यादा किल हो जाते थे वो भाई अभी तो नहीं होने वाले, क्योंकि मैं खुद अभी मॉर्निंग में आज अपडेट आया उसका मैं 2-3 बार खेल के देखा, तो भाई मेरे तो भाई 8 से 10 ही किल हो पा रहे हैं यहाँ पे। तुम ये मैच में भी देख सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे ऑटो रिकॉइल का ऑप्शन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार रिकॉइल ले सकते हो। या तो तुम ऑटो रिकॉइल ले लो या फिर वो अपना रिकॉइल टावर से तुम अपने टीममेट के द्वारा तुम रिकॉइल ले सकते हो। उसके बाद जो नया अपडेट या चेंजेस बोल सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप को लेके आया। अब तुम यहाँ पे ड्रॉप पे तुम देखो, पहले हमारा क्या होता था बीजीएमआई के अंदर, एक सिंगल ड्रॉप गिरता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉप भाई 8 से 10 ड्रॉप गिरते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप के लोखंड के ये बॉक्स हैं, ये गिरते हैं यहाँ पे, अच्छी खासी तुम्हें लूट मिल जाती है इनके अंदर। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारी स्क्वाड के लिए भाई तुम्हें अच्छी खासी लूट यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे बात करें तो भाई जो रोबोट है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाई अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब किया तो भाई वो भी कर दो। अब देखो यहाँ पे जो एक रोबोट का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम देख लो भाई, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं देगी। अगर तुम ये रोबोट में अगर कोई तुम्हारी इधर है तो तुम यहाँ पे रोबोट के सीने पे अगर एमओ मारते हो तो सीधी वो एमओ तुम्हारे सामने वाले एनिमी को ही लगती है। हाँ, आगे ऐसा भी नहीं है, नहीं है तुम कर सकते हो कि वो रोबोट को भी फोड़ सकते हो यहाँ पे। जैसे तुम देख रहे हो, मैं एक पूरा स्प्रे यहाँ पे ये रोबोट के ऊपर मार रहा हूँ और यहाँ पे ये ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी एमओ वेस्ट करने से तुम उस ट्राई करो उस बंदे के चेस्ट पे मारने का, जिससे भाई एनिमी कम एमओ भाई डाउन हो जाएगा। अब मेरे टीममेट या तुम्हारा स्प्रे इतना अच्छा ना हो या तुम इतनी कनेक्टिविटी अच्छी ना कर सको तो भाई वो बात है कि तुम वहाँ पे, तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम वहाँ पे रोबोट को ब्लास्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला एक चेंजेस है, अगर तुम्हारे पास व्हीकल है या फिर कई बार क्या होता है लास्ट जो है हमारे पास व्हीकल नहीं रहती, तो भाई इस बार इन्होंने क्या किया, छोटा सा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मैप में, तुम यहाँ पे देखो मेरे बैकपैक में, ये तुम्हें ऑटो पिकअप में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके क्या कहते हो, मैं जैसे यूज़ करने का हुए तो तुम ऐसे हवे में ग्लाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे हवे में उड़ सकता हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। और हाँ, इसका मैं जो ये पेट्रोल पे चलते या पेट्रोल ही बोलेंगे ना या डीजल जो भी तुम बोल सकते हो, इसका जो माइलेज है ना भाई, किसी स्प्लेंडर बाइक की जैसे माइलेज देती भाई। तुम मेरे को लगता है तुम पूरे 40 मिनट का मैच खेल लोगे और इसका फ्यूल नहीं ख़त्म कर पाओगे, इतना गंदा माइलेज देता है भाई, सीरियस में इतना माइलेज भाई। अभी मैंने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट ये पूरे मैप में आखिरी, क्योंकि कम बंदे बाकी थे, क्योंकि लास्ट 11 बंदे थे, मैंने भाई वो 11 बंदे ढूंढने के लिए भाई इसका पूरा इसको लिटरली बोलता हूँ भाई, बहुत कम इसका वो हुआ भाई, पेट्रोल इतना कम खत्म हुआ ना भाई, कसम से इसका माइलेज। लेकिन इसका एक ही वजह, अगर बंद सामने वाले एनिमी का अच्छा स्प्रे तो तुम्हें शायद से वो हवे में डाउन कर सको यहाँ पर, क्योंकि कोई कवर नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर लास्ट जोन में तुम भागने से अच्छा ही मैं बोल सकूँ, वो टाइम पे इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। उसके बाद एक और इसका एडवांटेज है, वो क्या है मैं वो भी बता दे। इसको जो लिटरली हाइट है वो 3rd फ्लोर तक तुम जा सको, मतलब ट्रिपल स्टोरी के ऊपर तुम आराम से बंदे के ऊपर पुश कर सके। लेकिन एक चीज़ है भाई इस चीज़ की जो मुझे बिल्कुल पसंद है, वो क्या है, तुम यहाँ पे ये वाइट लाइन या फिर रेड कलर की जो ये लाइन सी तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, भाई ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि जब ये रेड हो जाती भाई तुम्हारा जो कैरेक्टर वो ज़मीन के ऊपर उड़ने लगता है, और जैसे फिर से वाइट पूरी होती है कम भरती है वैसे फिर ये 2 या 3 फ्लोर की हाइट पर तुम्हारी उड़ने लगता है। अब देखो पहले ही मैच खेले तो पहले ही मैच में चिकन कर ले तो, और अब तुम भाई को वीडियो बनना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो।